फ्रेंड्स क्लब खोड़ा डोंगरी के तत्वाधान में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच टीवीएस बगडोना और एसएससी सारनी के बीच खेला गया। तो वहीं इस मैच के पूर्व संसदीय सचिव रामजी लाल उइके ने सभी खिलाड़ियों से भेंट कर टॉस करवाया और फाइनल मैच के मुख्य अतिथि के साथ पूर्व संसदीय सचिव एवं अध्यक्ष समीर पाठक ने बताया कि विजेता टीम को 21,000 रुपये ट्रॉफी दी गई है, तो वहीं उप विजेता को 11,000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। चाहो ये जो सब्जी खत्म हुई है टीम के लिए, टीम सिर्फ एक इसलिए आई थी सिर्फ खेलना है। खेलते खेलते हमें इतना अच्छा खेलते थे लड़कों ने, जाना एक दूसरे का सपोर्ट सहयोग के साथ खेले। और सबसे बेहतरीन चीज हमारी टीम के अंदर एक चीज की मेच्योरिटी सबके अंदर एक जैसी थी। अभी कोई नर्वस नहीं हुआ, स्कोर कितना ही ना हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, सभी जो स्कोर मिला उसको फाइनल करते जाए। अभी अपने बहुत शानदार खेला, लोग उसी के मुताबिक आज फाइनल में खड़े। 20 तारीख से यह टूर्नामेंट शुरू हुआ था और आज 19वें दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया टीवीएस बगडोना और एसएससी सारणी के बीच। टीवीएस बगडोना ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 84 रनों से एसएससी सारणी को पराजित किया और काफ़ी रोमांचक मैच रहा। शुरू में टीवीएस की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी की गई थी, लेकिन बाद के ओवरों में उनके बल्लेबाजों ने अपना सामंजस्य खो बैठे और फटाफट विकेट गिरते गए, जिसके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा और काफ़ी रोमांचक मैच रहा। फिर भी सर, यहाँ कितनी टीमों ने इस मैदान पे अपना प्रदर्शन दिखाया है? 46 टीमों ने यहाँ पर एंट्री करी थी, जिसमें से लगभग 35 मैच खेले गए और जो आज 35वां मैच ये आज फाइनल ग्रुप में हुआ। जी, धन्यवाद।